contest the mic. Chalo, please keep the silence. Okay. Offense. It's not working. The hard mic is not working. Please. Please be silent. ठाकुर साहब ने जी से बताया होगा कि आज के मीटिंग में क्या हो गया। मुझे खुशी है कि वाणराज जिन लोगों को एक्सपेल किया वो छोड़कर बाकी सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग के लिए आए थे। उनका हौसला अच्छा है। उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को ठेस फंसाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। अपोजिशन एक मिनट। हाँ, प्रशांत अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, वो बात कह सकते हैं। इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। सर अब सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। किसी ने कुछ कहा होगा, इसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। सुनील प्रभु ऑपोजिशन यूनिटी सर एंड द फैक्ट दैट यू नो यू आर गोइंग टू मीट इन बैंगलोर ऑन द 17-18 द फैक्ट दैट द एमवीए नाउ इज अंडर थ्रेट उद्धव ठाकरे एज वेल एज यू हैव बीन डिमिनिश्ड बाय द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ थिंग्स डिमिनिश मींस दे हैव ब्रोकन योर पार्टी। Somehow some people left your party, goes to some other side. It's not happened in political parties, but doesn't say it diminishes of this or that. As I said, we rebuild that party. Sir. Let her, please. Yeah. Question doesn't arise to stop things. Now I will work more effectively. We were 82 or 92. नीरज हिंदी में बोलो, आपने एक्सपील करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन के
से बचाया ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। पवार सर, वन मिनट, वन क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट। पवार सर, आप लोगों ने कैबिनेट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या सीधी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलएज इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर करें, ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी गॉट होल पावर एंड दे गॉट एवरी राइट टू टेक एफर्ट डिसीजन। Importantly, political party, not MLA. That lady there. Come on, come on. Harsha. कोई भी चाहते तो मुझे इसका कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं, चलिए मेरी शुभकामनाएं। बात ऐसी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है उन तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजिशन है ये नजरअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम एफिडेविट दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। मेरी चिट्ठी के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा। मुझे मालूम है इस देश में इम्पोर्टेंट पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे टू थर्ड हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया, जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। आपको एक बार मौका दिया, सतारा एंड करार डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिफेक्शन पवार साहब बोल दिया। आपको पता लगेगा कुछ दिनों में इसमें क्या वजह हो रहा है। इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व है उसको छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में टूटी ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाला अपोजिशन को दबाव लाने के लिए, वीक करने के लिए ईडी सीबीआई अंतर्थल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे। ठीक है, 8-10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी तब तो इसमें
क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हमारी प्रायोरिटी रहेगी। एक बार मौका आप लीजिए संदीप। ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, आपके पास हो तो मुझे प्राइवेट कीजिए। चांगली गोष्ट। पवार साहब क्या आइए जी, पवार साहब आइए। कुछ जगह पर ये चीज नोटिस लगी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था, क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे ही पत्र सामने आया था? कुछ नहीं, एक बात सच है, 2019 यानी दो साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसी होनी चाहिए, किसके साथ हमने जाना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा था कि मीटिंग हो रहा है और बाद में आगे का इलेक्शन आ गया और वो कुछ हुआ नहीं। पवार साहब मेरा सवाल है कि शिवसेना में भी टूट हुई, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी टूट हुई, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनको लोग दूर करेंगे और जो कुछ अपोजिशन में काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। नथिंग फाउंड इसी अल्टीमेटली पार्टी डिसीजन, पार्टी थिंकिंग, पार्टी आइडियोलॉजी इज सुप्रीम फाउंड। पिछले महीने आपने सबकी घोषणा के लिए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी एनसीपी मुख्यालय में, तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि किस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के तरफ से कुछ गद्दार के पोस्टर भी लगे कटप्पा बताया। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम नहीं था। एक मिनट, आप बोलिए, वो बोलिए। पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे देखते हैं? जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उससे पहले महाराष्ट्र के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वो जनता के बीच में भरोसा टूट रहा है, उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है इससे मुझे खुशी है कि इसकी जबरदस्त कीमत जिन्होंने लोगों को कमिटमेंट करके इनके होश हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए उनको कीमत देनी पड़ेगी। राज की स्थिति बदलेगी, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व सेना का संगठन हो, इनके हाथ में वहाँ रास्ते के लोग पूरी हुकूमत देंगे। प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई लेकिन अजीत पवार साहब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई है? अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल ये जिम्मेदारी पहले उनको दी गई थी। सर,